वेलकम बैक, मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक। तो कैसे हो यार? आज का जो क्वेश्चन है ना, आज का जो टॉपिक है, वो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई मैं जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हूँ, जिससे प्यार करता हूँ, उसको बहुत वैल्यू देना पड़ता है, उसके लिए बहुत मतलब जी हजूरी करना पड़ता है, उसके सामने झुक के रहना पड़ता है, उसको हमेशा हम ही को कॉल करना पड़ता है, हम ही को मैसेज करना पड़ता है। कोई गलती हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा गलती नहीं भी है तभी भी हमको सॉरी बोलना है, मेरा गलती है तो भी हम ही को सॉरी बोलना है, हर सिचुएशन में हम ही को माफ़ी मांगना है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि रिलेशनशिप में सिर्फ हम ही हैं, सामने वाला इंसान नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ना तो कभी कॉल करता है, ना मैसेज करता है, ना कभी केयर करता है, ना कभी मिलने में इंटरेस्टेड है, ना कभी प्यार से बात करता है, सारा कुछ हम ही को करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? देखो यार, ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है, अभी रिलेशनशिप में हो और सामने वाला पर्सन को आप ही को हमेशा कॉल करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, उसको हमेशा मतलब हद से ज़्यादा उसको वैल्यू और रिस्पेक्ट देना पड़ता है ना, आपकी गलती हो ना हो फिर भी आपको माफ़ी मांगना पड़ता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे आप किसी के सामने गुलाम हो। अगर ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो यार, जब आप किसी भी इंसान को हद से ज़्यादा वैल्यू, हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे, उसको वो चीज़ हजम नहीं होती है। ये फैक्ट है, एकदम फैक्ट है। जब आप किसी को रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा देने लगो, हद से ज़्यादा देने लगो, तो वो इंसान उसकी कदर नहीं करता। आप वही काम कर रहे हो, मानते हैं आप उससे प्यार करते हो, मानते हैं आप उसको चाहते हो, उसको पसंद करते हो, वही आपके लिए सब कुछ है, लेकिन जब हद से ज़्यादा ये सब चीज़ करोगे ना, हमेशा कॉल करना और मैसेज करना, उसको इस चीज़ का कभी रियलाइज़ नहीं होगा, उसको इस चीज़ का कभी एहसास नहीं होगा कि आपको भी बुरा लगता होगा, आपका भी दिल है, आप भी इंसान हो, नहीं एहसास होगा, क्योंकि उसने कभी उस चीज़ को फेस किया ही नहीं है, उसने इस चीज़ को कभी जिया ही नहीं है, उसके ऊपर कभी बीत नहीं रहा है, उसको कहाँ से इस चीज़ का एहसास होगा। इस वजह से आपको हमेशा बुरा लगता है। और आप गलती क्या करते हो कि आप सामने वाले को हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि उसको रिस्पेक्ट मत दो, वैल्यू मत दो, लेकिन ये एक लिमिट में होनी चाहिए। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के, अपना खुद का इज्जत को खो के, उसको गवा के आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसको वैल्यू दे रहे हो, इसीलिए वो इंसान आपको ना तो वैल्यू देता है, ना कॉल करने में इंटरेस्टेड है, ना मैसेज करने में इंटरेस्टेड है। आप जिंदा हो या मर गए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उसके सामने रो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस चीज़ का जो दर्द है, जो आपको दर्द है, जो आपको गम है ना, जो आपका प्रॉब्लम है, उसको एहसास ही नहीं हो रहा है। और जब तक उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा, वो कहाँ से इस चीज़ को समझेगा। इसको ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे पास एक पैकेट बिस्किट है, ठीक है, और कुछ मिक्सचर है, थोड़ा सा मिक्सचर है। जो बिस्किट है वो ऐसा बिस्किट है जो आपको बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, कहीं भी आपके दुकान में, आपके आसपास के स्टोर में, या कहीं पे भी अवेलेबल है, उसको बड़ी आसानी से आप खरीद सकते हो। लेकिन जो आपके पास मिक्सर है, जो थोड़ा सा है, बहुत कम है, लेकिन वो इजीली अवेलेबल नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है, उस मिक्सर को आप बहुत बचा के बहुत अच्छे तरीके से रखोगे और थोड़ा थोड़ा खाओगे। ये फैक्ट है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन जो बिस्किट है, उसको आप हो सकता है खाओ भी ना, या हो सकता है उसको ऐसी बर्बाद कर दो, फेंक दो, इधर उधर रख दो, क्योंकि आपको पता है वो चीज़ आसानी से मिल जाएगा। अगर आज ख़त्म हो जाता है, नया पैकेट खरीद लोगे, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जो मिक्सर है, वो आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से मिलने वाला है, और वह बहुत कम भी है, उसका मात्रा भी कम है। ठीक ऐसे ही रिलेशनशिप में होता है। जब आप किसी को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट वैल्यू दोगे, वो समझेगा, अरे ये कहाँ जाएगा, ये तो मेरा ही है, हमको छोड़ के जाएगा कहाँ या जाएगी कहाँ। बस यही वजह है कि वो आपको ना तो वैल्यू देता, ना आपको कॉल करता, ना मैसेज करता, कुछ नहीं करता है, और सिर्फ आप ही को करना पड़ता है। इसलिए मेरे दोस्त, एक काम करो, आप कुछ दिन के लिए थोड़ा सा स्ट्रांग बनो और उसको कॉल करना, मैसेज करना सब बंद करो। जैसे वो बिहेव करता है, सेम उसके साथ वैसे ही बिहेव करो। जैसे वो बात करता है, उसके साथ वैसी बात करो। रूडली बात कर रहा है, रूडली बात करो। कॉल नहीं करता, आप मत कॉल करो। वो एक बार कॉल करता है, आप एक बार कॉल करो। अगर वो मैसेज एक बार कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप ही मत करो। आप उसको जितना ज़्यादा इग्नोर करोगे, उसको एहसास होगा इस चीज़ का कि हाँ, मैंने एक इम्पॉर्टेंट पर्सन को खो दिया या खो रहा हूँ, तब उसको एहसास होगा कि हाँ, जैसे आज हमको बुरा लग रहा है, वैसे इसको भी बुरा लगता होगा, तब उसको एहसास होगा। तब हो सकता है कि वो, उसको अगर अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो वो फिर आपको बोलेगा कि देखो यार, हमको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमको रियलाइज़ हो गया कि यार तुमको कितना बुरा लगता है, तुमको कितना पेन होता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो स्टार्टिंग में कुछ और रहेंगे, बाद में बदल जाएंगे। कुछ और लोग ऐसे होते हैं जो मतलब उनको आपके दर्द से, आपके फीलिंग से, आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, बस उनका काम निकल रहा है, जो उनको आपसे चाहिए था मिल गया, काम खत्म। अब वो बदलेंगे ही बदलेंगे, उनका रवैया बदल जाएगा, उनका एक्टिविटी बदल जाएगा, आप रोते रहो, मरते रहो, कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्त, जो जैसे आपके साथ ट्रीट कर रहा है, वैसे ट्रीट करो। अगर उसको रियलाइज़ होता है, अगर उसको इस चीज़ का एहसास हो गया, तो वो आपके साथ फिर से पहले जैसा अच्छे से रिलेशनशिप में आएगा। और अगर उसको एहसास नहीं होता, यानी कि वो अजीब इंसान है, कुछ लोग होते हैं ऐसे, उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसको अच्छा नहीं कर सकते, जाने दो उसको, ठीक है, उसको छोड़ दो।
क्योंकि ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो, सिंगल रहो, वो अच्छा है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू जो आपका प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन मिला होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने हर एक दोस्तों के पास शेयर करना, हो सकता है उनका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। और इस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर क्लिक करना। तो फिर आज के लिए इतना ही, और हाँ दोस्त अपना ख्याल रखना।